हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, वेरीफाई दैट माइनस इन ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, हमको इसको वेरीफाई करना है। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 111/50, हियर एक्स इज इक्वल टू -13/70। इन दो वैल्यूज पर हमको इसको वेरीफाई करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ये हमको पहले स्टेटमेंट लिखना है, माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये होना चाहिए। सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स हियर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस, और एक्स की वैल्यू कितनी है 11/50, और यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 11/50 है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा हमारा +11/15 और इक्वल वैल्यू +11/15। सो व्हाट वी कैन से हियर, हियर LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर भी वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे हम। स्टेटमेंट क्या है, -x इज इक्वल टू x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, सो x इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, -13/17। सो वी विल राइट माइनस माइनस, देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस में, तो ये जो ब्रैकेट है इसको मैं इस टाइप से राइट करता हूँ। फिर ये माइनस, ये इसके साथ में था, यहाँ ऑलरेडी स्टेटमेंट में माइनस था ये, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -13/17। फिर ब्रैकेट क्लोज, देन इक्वल में -13/17। देन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, +13/17। देन इसको सॉल्व राइट करेंगे एज इट इज, -13/17, ये माइनस तो ऑलरेडी इसके साथ में आ गया था। देन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर मिलता है -13/17, इधर भी -13/17, और यहाँ पे LHS इज इक्वल टू होगा RHS, LHS इज इक्वल टू क्या होगा RHS। तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से वेरीफाई करना है आपको, एक्स की कोई भी वैल्यू आपको गिवन है उसको इसको वेरीफाई करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।